70 से 90 के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करने वाली अभिनेत्री हेमा मालिनी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल भी कहा जाता है, क्योंकि अब तक हेमा मालिनी की तरह न किसी खूबसूरत एक्ट्रेस को इतनी ज्यादा मूवीज में लीड रोल में देखा गया है और ना ही हेमा मालिनी की तरह आज तक किसी भी एक्ट्रेस ने इतनी सारी सुपर हिट्स दी हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बॉलीवुड की क्वीन के भी नाम से भी हेमा मालिनी को जाना जाता है। एक वक्त था कि पूरा बॉलीवुड और पूरी जनता, पूरे फैंस हेमा मालिनी के दीवाने थे, और आज भी हेमा मालिनी की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है। आज भी हेमा आज के जमाने की एक्ट्रेस को टक्कर दे देती हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हेमा मालिनी इस वक्त एक ऐसी बीमारी से जूझ रही हैं जिसकी खबर अब सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हेमा इससे पहले एक एक्सीडेंट का शिकार हुई थी जिसकी वजह से उन्हें सर्जरी का सहारा लेना पड़ा था, और अब आपको बता दें कि हेमा को ये सर्जरी बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस सर्जरी की वजह से एक गंभीर बीमारी का शिकार हो चली है हेमा। और आपको जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि डॉक्टरों के अनुसार हेमा मालिनी अब कुछ ही दिन की मेहमान है, ऐसी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर बहुत ही जोरों शोरों से आ रही है। हालांकि परिवार के किसी भी सदस्य ने इस बात पर कोई बयानबाजी नहीं की है, और न ही किसी परिवार के सदस्य ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की है कि आखिर हेमा इस दुनिया में नहीं रही, इस तरीके की अपडेट जनता के साथ शेयर क्यों की जा रही है। दोस्तों आने वाले वक्त में हेमा और उनके सेहत को लेकर, इन दिनों हेमा मालिनी और साथ ही उनकी सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें भी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें इस बात को भी क्लियरली कहा जा रहा है कि हेमा अब इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों हेमा मालिनी के लिए कमेंट में आकर #getwellsoon जरूर लिख दीजिएगा, और जैसे ही हेमा मालिनी से जुड़ी कोई नई अपडेट आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।